वेरी ब्यूटीफुल डे और सबके लिए खास और स्पेशल होता है. मदर्स सबके लिए करीबी और इमोशनल है. एंड इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट जो हमने आज इस दिन किया है और ये हमारा थर्ड सीजन है. लोग सेलिब्रिटीज़, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन सबको तो अवार्ड देते हैं, उनके लिए बहुत अवार्ड शोज होते हैं, बट स्पेशली ये अवार्ड शो जिसको लोग भूल गए, जिसको लोगों ने मतलब मिस कर दिया है, जो सबसे बड़े लीडर है किसी को बड़ा बनाने में. जैसे कि एक मदर है, जो मदर जब तक कुछ डेडिकेशन या अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी, कोई भी कितना भी बड़ा आदमी या बड़ा स्टार हो या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो या कितना भी कोई बड़ा बन जाए, बट मदर का जो रोल है वो हिडन है बट सबसे इम्पॉर्टेंट है और वही लोग भूल जाते. तो इधर आज हम इस प्लेटफॉर्म पर उन्हीं को सम्मानित कर रहे हैं, मदर्स, सुपर मॉम्स. तो हमने सुपर मॉम सुपर वुमेन अवार्ड रखा है. एंड थैंक यू एवरीवन टू जॉइन अस. एंड एनीथिंग मोर यू वांट टू आस्क प्लीज. हेलो एवरीवन, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू. सो आप बताइए, आप दो, यू हैव टू नाइस डॉटर्स, तो व्हाट इज द जर्नी ऑफ योर्स फॉर इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन? आपकी पूरी जो जर्नी कैसी रही है? I finished my college, and you know, Orthodox families, how normally they want their kids to just get into marriage. तो वैसे ही बचपन में ही शादी हो गई और एक साल में I was a mother. उसके बाद में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई जहाँ पे मुझे कुछ डिसीजंस लेने पड़ गए और तभी आया ख्याल कि अपने टैलेंट पे कुछ करना ज़रूरी है. तो आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन. उसके बाद में MBA मैंने अपनी करस्पॉन्डेंस से कंप्लीट की, लेकिन अपने टैलेंट पे जल्दी अगर कुछ करना है तो मुझे लगा कि फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म मेरे लिए हो नहीं सकता, बिकॉज बाई गॉड्स ग्रेस आई वॉज प्रेजेंटेबल, स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी अच्छा था. तो मैंने अपनी करियर की शुरुआत की एक टेलीविजन शो से, मैं बनूंगी मिस इंडिया, जो नंबर वन पे रहा काफ़ी साल. और फिर मेरा पदार्पण हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री में और वहाँ पर मैंने 75 फिल्म्स की और सफ़र चलता रहा. बच्चों को टाइम उतना नहीं दे पाती थी तो उनको बोर्डिंग में मुझे रखना पड़ गया, बट मैं बहुत ब्लेस्ड थी कि मेरे बच्चे समझदार थे और उन्होंने इस चैलेंज को बहुत पॉजिटिवली लिया कि मॉम बिज़ी है और हमको लुक आफ्टर करने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए वो हमको टाइम नहीं दे पा रही है और उनको समझना होगा. सो आई फील वेरी प्राउड दैट आई हैव आशना एंड खुशी बाय माई साइड. आज वो पैन इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, ब्लॉगर्स हैं, नॉन ब्लॉगर्स हैं. न्यूयॉर्क फैशन वीक में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया से और मैक ब्रांड को रिप्रेजेंट किया है US में. सो आई फील वेरी प्राउड एंड मुझे लगता है कि एक माँ की खुशी सबसे ज़्यादा इसी में होती है जब उनके बच्चे उनसे आगे नाम कमाते हैं. तो आज जब फैंस आते हैं और मुझे बोलते हैं कि आप आशना की मॉम हो, तो आई फील वेरी प्राउड. मुझे लगता है इससे ऊपर मतलब हैप्पीनेस एक मॉम के लिए कुछ नहीं हो सकती है. तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड यही है एंड आई फील वेरी नाइस. इंस्पायरिंग आइकन अवार्ड्स 24 ये थर्ड सीजन होने जा रहा है और मुझे लगता है कि हर माँ अपने आप में एक बहुत बड़ी विनर है, बिकॉज बच्चों को अच्छी परिस्थितियों में, बुरी परिस्थितियों में भी माँ प्यार उतना ही करती है और चाहती है कि अपना बच्चा सबसे बेस्ट करे, सब कुछ ऐसे लेवल पे करे जहाँ पे माँ को प्राउड फील हो कि मेरे बच्चे ने ये किया. सो दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म आई फील जहाँ पर हर माँ को रिकग्नाइज़ किया जाएगा. वो कितना बड़ा या कितना छोटा ज़रूरी नहीं है. वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज एवरी वुमन इज़ ट्राइंग हार्ड, एवरी वुमन इज़ एम्पावर्ड. और मुझे लगता है इससे बड़ा अचीवमेंट और अवार्ड हो नहीं सकता. सो स्पेशल थैंक्स टू कुणाल जिन्होंने इस बारे में सोचा और इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया. आई फील वेरी प्राउड टू बी हियर. वॉट मैटर्स इज एवरी वुमन इज स्पेशल एंड वेन शी बिकम्स अ मदर शी बिकम्स मोर स्पेशल. सो आई फील स्पेशल टूडे. थैंक यू सो मच. थैंक्स अलॉट. थैंक यू. सबसे पहले आपको मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे यार एवरीवन. मदर्स डे एक्चुअली मेरे लिए क्या है ना, सिर्फ एक मदर्स डे दिन बोल के मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मदर्स डे का है.
एक्चुअली मेरे लिए मदर्स डे हर एक दिन मदर्स डे होता है, और स्पेशली तब से जब से मेरे मॉम एक्सपायर हुए हैं, है ना, तो मेरे लिए उसकी अहमियत बहुत बड़ी है यार। और मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में अगर कुछ बनना हो, कुछ पाना हो, जो भी उसको ख्वाब है, ऊपर वाला अल्लाह उसके पूरे करे, लेकिन अगर वो माँ बाप की दुआएं लेके चले या स्पेशली मॉम की, और अपने माँ बाप के रिस्पेक्ट करे, तो मुझे लगता है कि जिंदगी में कभी भी कोई भी इंसान कहीं पीछे नहीं रहेगा। तो मैं यही कहूँगा बस। और आज सुपर मॉम सुपर वुमन्स अवार्ड्स है, सो जितने भी यहाँ पे नॉमिनेटेड हैं उन सबको विशेष मेरी तरफ से, बाकी देखते हैं। क्या होता है कि हर चीज़ का हर इंसान के लिए कभी ना कभी ना जो भी होता है इंसान की जो भी इंसान के लिए जो कुछ भी होता है वो उसके अच्छे के लिए, उसके बेहतर के लिए होता है। सो मैं लास्ट ईयर बिग बॉस करने वाला था, सारी बातें बातें होगी तो सब कुछ हो गया था, मैं पहले और से बता रहा हूँ लोगों को, लेकिन मेरा मन में ही मान रहा था। क्या होता है ना, मैं जो बता चुका हूँ कि जो होता है बेहतर के लिए होता है ना इंसान के, तो सब कुछ हो रहा था, लेकिन मेरी बात ये है कि वो मन नहीं मान रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे डैड उस टाइम एक्सपायर हो जाए। तो मैं जाने वाला था, पर वो ही था कि नहीं जा पाया, क्योंकि मैं उमरा पे जाने वाला था उनके साथ, मैं उमरा पे चला गया अकेला, तो सारी चीज़ें। सो जो होता है बेहतर के लिए होता, बाकी इंशाल्लाह बिग बॉस है फिर से आने वाला है, क्या पता किस साल में। Mother's Day, and this is such a prestigious award ceremony, especially on the occasion of Mother's Day, and I feel extremely blessed and I feel extremely happy, and this is my way to surprise my mom, and I guess we all should surprise our mom and have something for them, like especially not just one day is Mother's Day, I feel every and each day should be celebrated for mothers. And yes, we all are very happy and lucky that we have such beautiful soul on earth with us for us to guide in each and every step. So yes. आप यहाँ पर आए हो, क्या चीज़ आपके पास, क्या ब्रांड है आपका, उसके बारे में? Basically, I'm the owner of Al Fragrance brand. It's a perfume brand, and we have been doing this since our last 10 generations. And we provide premium quality fragrances with lasting for about 72 hours. And we have approximately more than 600 fragrances under our brand, from oud to spicy, from musk to sweet. Each and every note we have. And yes, we are also available on Amazon, so you all can go through Amazon as well. Kunal is a very, very hardworking person, that's for sure. And also, he is a very kind human being, I would say. And I'm very lucky that I've come across Kunal, and he's a great friend anyone can have. Thank you so much. Very good evening and welcome. अभी तक नहीं बोला था, एंड मम्मी को मुझे यहाँ पर आके ही बोलना था, तो मम्मी फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मदर्स डे, और इसी तरीके से आपका आशीर्वाद बनाए रखना। और यस, वी विल डू मेनी मोर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं आने वाली है, जो आप सब लोगों को बहुत जल्द पता चलने वाली है। सो दिस एवरी थिंग इज़ वेरी गुड, और कुणाल भाई जैसा बहुत टाइम से बहुत पहले से मिलन करते आ रहे हैं, एंड इट्स रियली हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड थैंक्स थैंक्स थैंक यू। Thank you.
about the super mom and super woman. An inspiring icon awards. So I think a lot of hard work takes to achieve iconic status, and for me, my mother is a superwoman, so I think I've been appropriately chosen to be invited here, and I'm humbled by the invitation, and thank you for calling us. What any upcoming series or films you're doing? I've developed a lot of YouTube OTT, not OTT, YouTube channels. I've developed some YouTube channels in collaboration with my mother. So we are working on those. We are garnering some positive responses and a genuine committed followership. So we're looking forward to do great work on YouTube currently. ढेर सारी यादें हैं और मेरे लिए हर रोज मदर्स डे. मेरा ये 26 मई को एक इवेंट आ रहा है जो हम नीलम कोठारी के साथ करना चाहती हूँ. मुझे आप सबका उसमें कंट्रीब्यूशन चाहिए और आप सबको मैं इनवाइट करती हूँ कि आप मेरे इवेंट पे आइए. थैंक यू. अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मुझे इस अवार्ड के लिए बुलाया गया तो मैंने पूछा किस चीज़ का अवार्ड है. खैर, अवार्ड तो सबको अच्छा लगता है कि मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं जानना चाहती थी कि किस चीज़ का. तो उन्होंने कहा कि सुपर मॉम. पहले उन्होंने सुपर मॉम कहा था, तो मैंने कहा पर मॉम मेरे तो बच्चे नहीं हैं, तो मेरे को मॉम. फिर मैंने उससे कहा नहीं, एक्चुअली ये बिल्कुल सही है मेरे लिए अवार्ड. क्यों? क्योंकि जो दुनिया के बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं, और मेरी जो फाउंडेशन है वो बच्चों के साथ अभी तक से 2.5 लाख बच्चों के साथ काम कर लिया है उसने. और सब बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, हाउ टू मेक पीपल सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी, हाउ टू रेज द इनर जॉय. एंड मुझे लगता है कि एक हर माँ करुणा, मुदिता, क्षमा, प्रेम, ये हर माँ में ये क्वालिटीज होती हैं, और वो क्वालिटीज हर जने में हो सकती हैं, हर जने के लिए. और मुझे ये लगता है कि वो सारी क्वालिटीज मेरे अंदर, मैंने पिछले 20 सालों में मैं जो ध्यान कर रही थी, योगा की आश्रमों में रह रही थी और संन्यास मैंने लिया हुआ था, वो मैं क्या कर रही थी, मैं अपने ये सारी क्वालिटी, पॉजिटिव क्वालिटीज अपने अंदर जगा रही थी, और वो सारी क्वालिटीज माँ से सीधा संबंध रखती हैं. तो मैं ये कहूंगी कि एक एक जना जो है, हर एक स्त्री एक माँ पहले है और कुछ बाद में. सो आई एम रियली डिलाइटेड एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड. थैंक यू. आज से कोई 22 साल पहले वापस चला गया था. उससे पहले मैंने यहाँ पर महाभारत, टीपू सुल्तान, कृष्णा जैसे बड़े बड़े, परमवीर चक्र जैसे बड़े बड़े मैंने सीरियल किए हैं, और उसके बाद यहाँ फिल्में भी की हैं. लेकिन यहाँ से जाने के बाद, उस वक्त मैं क्लीन शेव था जब यहाँ से गया, और आज आपके सामने एक सरदार, कंप्लीट सरदार आपके सामने खड़ा हुआ. क्यों? आजकल पंजाबी फिल्में जो बन रही हैं, बहुत सारी बन रही हैं. मेरा ख्याल है अभी तक मैंने टोटल अगर मिलाएं तो 350 के करीब छोटे बड़े सारे सब प्रोजेक्ट मैं कर चुका हूँ, जिसमें हिंदी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगू और हरियाणवी फिल्म भी. पहली बात तो थैंक यू. आवाज़ आ रही है आपको? थैंक यू फॉर दिस अवार्ड कुणाल जी, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया. क्योंकि जनरली बिजनेस अवार्ड्स और फिल्म अवार्ड्स बहुत होते हैं, पर एक मदर जो एक माँ होती है, उनकी जो सैक्रिफाइसेस होती है और वो जो करती हैं एक बच्चे के लिए, वो एक नेशन को तैयार कर रही है. एक ऐसा इंसान जो बड़े होके
एक नेशन को आगे बढ़ाए अच्छे वे में. सो मेरे लिए बहुत बहुत प्राउड का मोमेंट है बिकॉज मेरे 3 टीनेजर्स हैं और अपार्ट फ्रॉम माय प्रोफेशन मैं जो भी कर रही हूँ हर पल मैं अपने बच्चों को ही याद करके करती हूँ और वो मेरे सबसे बड़े सपोर्ट हैं. कितना एक्साइटमेंट हो जो आपके पापा एक्शन मास्टर है और उनके थ्रू काफी सारे लेजेंड भी आए हैं. इतने औरत कम लोग होता है इतने सारे लेजेंड आते हैं जी. क्या बोलना चाहिए तो इतने लेजेंड्स यहाँ पे आए हैं. जाहिर सी बात है मेरे फादर साहब बहुत साल हो गए उनको इंडस्ट्री में, उनका गुडविल है तो उस वजह से बहुत अच्छा मुहूर्त हो गया हमारा. काफी माँ वह अनमोल रतन है जो जीवन को सुंदरता से भर देती है. उसकी ममता में छिपी हुई महत्वपूर्ण शक्ति हर कदम पर महसूस होती है. माँ की मुस्कान से हर दर्द और हर दुख मिट जाता है. उसकी बातों में छिपा है सब कुछ. उसका स्नेह असीम होता है जो बच्चों के जीवन की राहों में मार्गदर्शन भरता है. माँ की ममता और समर्पण से घिरा हुआ घर हमेशा सुख शांति से भरता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू माँ. थैंक यू पापा. थैंक यू रियली. थैंक यू सो मच फॉर कुणाल जी और शैलेश भाई. मेरी सिस्टर भी हैं यहाँ पे. मेरे को बहुत अच्छा लगा. काफ़ी टाइम से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ अपना कुणाल जी के साथ और काफ़ी टाइम से मैंने काम भी उनके साथ बहुत अच्छा किया हुआ है और आगे भी मैं काफ़ी इवेंट भी करता हूँ. बेसिकली आई एम ए फाइनेंसर, आई एम ए प्रोड्यूसर एंड इन्वेस्टर. सेकेंडली आई एम रियली सो हैप्पी कि आज के दिन में कोई अवार्ड मिला है और आज बहुत बड़ा दिन है सुपर मॉम और आज मदर्स डे है तो रियली थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कुणाल जी. मेरा भी नीलम कोठारी के साथ एक इवेंट आ रहा है. उसके बाद में एक शमिता शेट्टी के साथ में एक इवेंट कर रहा हूँ जून में. सेकेंडरी में अपना जुलाई में दुबई कर रहा हूँ स्पोर्ट्स सिटी. मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट रहता है और मैं बेसिकली आई एम अ फाइनेंस. थैंक यू सो मच फॉर सेकेंड. थैंक यू सो मच. ओके सबसे पहले तो मैं आप लोग सबको थैंक यू बोलूँगी. स्पेशली मैं सबको मतलब थैंक यू बोलूँगी और स्पेशली कुणाल के लिए मैं बहुत ही थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने मुझे याद किया और हम सबको यहाँ पर मेरी फैमिली को इन्वाइट किया. और मैं जो हूँ अल प्रेगनेंस की CFO हूँ. Yes, that's right. And also we have more than 600 fragrances as I've told earlier. और हमारा Amazon पर भी available है. And we also have a shop which is at Masjid Bandar. So you all can visit and shop from there. Shop our collection from there actually. Also one question. क्या memories हैं आप लोगों की childhood की? आप कैसे क्या अच्छी memories में लाइक उससे ज़्यादा अच्छी है मेमोरीज क्या होगी. अल्फिन को मैं बिजनेस करना चाहती थी और अल्फिन ने अपने बिजनेस को काफ़ी हद तक आगे लेकर गई है. इससे पहले भी अल्फिन को बहुत बड़े अवार्ड मिले हैं और वो अवार्ड के बाद अल्फिन को ये और दूसरा मतलब जो है ये अवार्ड मिला है. अब आगे जो है आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सब जो इसी तरह से अल्फिन का साथ दीजिए और अल्फिन के कुछ लोग आप लोग पसंद करिए और आगे तक लेके जाइए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मदर्स डे मेरे लिए स्पेशल बहुत है क्योंकि आई डोंट हैव मॉम. मॉम इज अ पास्ट अवे तो काफ़ी टाइम हो चुका है और मदर्स डे पे स्पेशली मैं बहुत मिस करती हूँ उनको हमेशा और उनका ब्लेसिंग मेरे साथ है. ऑल द वुमेन्स एंड ऑल द गर्ल्स ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड बॉयज जेंटलमैन सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे. ये अवार्ड मुझे मिला है इसमें खूबसूरत सा दिल है वो मेरा है. आप लोग तोड़ना मत कुछ भी मत लिख देना. ओके सी यू सून. थैंक्स. आने वाले प्रोजेक्ट में मेरा एक टॉक शो आ रहा है जो कि बहुत एक हॉरर शो भी है बहुत जल्दी. अभी मैं कुछ बताऊंगी नहीं. इट्स अ सरप्राइज. मैं जब मॉम बनूंगी तब स्पेशल होगा मेरे लिए वो वुमेन्स डे. बट अभी मैं एक बॉम गर्ल हूँ एंड बॉम क्या है ये सुपर वुमेन्स डे. तो सुपर वुमेन डे
थैंक यू थैंक यू यस तो अभी अभी मेरी पिक्चर रिलीज हुई थी एक डेढ़ महीने पहले योद्धा करके धर्मा के लिए, तो उसको लेके काफी एक्साइटेड हूँ। अभी वो अमेज़न प्राइम पर स्ट्रीम होने जा रही है, आई थिंक ऑलरेडी हो रही है। अभी स्पिरिचुअल आई हो रहा है जो मैं सनी के साथ होस्ट कर रहा हूँ, तो वो उसका रिस्पॉन्स मिलने में भी बहुत मजा आ रहा है। एंड अभी मैं एक नेटफ्लिक्स शो के लिए, उसका नाम नहीं ले सकता हूँ, उसके लिए अभी फिलहाल शूट कर रहा हूँ, इसलिए बाल थोड़े छोटे हैं मेरे। और आने वाले आई थिंक दो तीन महीने में कई सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। एक है के मेनन के साथ मुर्शिद करके, बाप बेटी की कहानी है। एक है जॉनी जंपर विजय राज और मेरे साथ, और एक है अपलॉज के लिए। तो यार नहीं, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और थोड़ी बहुत होस्टिंग कर रहा हूँ स्पिचुला के लिए, और बस अभी मेरी शादी हुई है तो थोड़ा घर पे भी वक्त बिता रहा हूँ। I'm so sorry, हाँ? Yes, actually मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है योद्धा के लिए, तो लेट्स सी, होपफुली आई कम बैक विद एन अवार्ड। यस वेल मैं इंडिया और दुनिया के सारे मॉम्स को मदर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू गिव माई बेस्ट विशेज टू ऑल द मदर्स टू बी, जो भी आजकल प्रेग्नेंट है, अगले साल मदर्स बनेंगे, तो टू देम एज़ वेल। वो अभी टाइम है, देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी मॉम के साथ आई हूँ, हैप्पी मदर्स डे टू यू, एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी बीन अवार्डेड, आई मीन शी इज बीइंग अवार्डेड विद सुपर मॉम्स अवार्ड, एंड इट्स अ प्लेजर कि आप लोग ये अवार्ड फंक्शन रख रहे हो टू फेलिसिटेट मदर्स हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन आवर करियर्स, एंड जस्ट वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत बहुत मायने रखती है क्योंकि मम्मी है सिंगल हैंडेडली रेज्ड मी, यू नो मेरे पापा नेवल ऑफिसर थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम रहते नहीं थे हमारे साथ, वो काम पे बिजी रहते थे, आउट ऑफ स्टेशन ही रहते थे, सो शी हैज़ टेकन केयर ऑफ मी सिंगल हैंडेडली राइट फ्रॉम माई एजुकेशन टू एवरीथिंग, सो शी इज एवरीथिंग ऑफ माइन लाइक यू नो। तो आई एम ग्लैड कि आप लोग ये सेरेमनी रख रहे हो ताकि यू नो हम जितना मॉम से प्यार करते हैं उतना बोलेंगे नहीं, बट दिस इज अ वे टू कंग्रेचुलेट हर एंड express our gratitude. नमस्कार मीडिया को, मैं डॉक्टर निकेश तारचंद मदानी, मदानी फाइनेंस का चेयरमैन। मैं कुणाल पटेल जी को बधाई देता हूँ, उन्होंने ये अवार्ड शोर का सुपर मम मदर डे के दिन और मुझे आमंत्रित किया इतने बड़े मंच पे और मुझे बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड दिया गया। उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी है कि मुझे आज जो कुछ भी यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं एक ऐसे इंसान को बुलाना चाहूँगा यहाँ जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। सरेश पटेल, सरेश पटेल, सरेश पटेल जी जिनकी वजह से मैं आज चुप रहा हूँ। आज मदर डे के दिन मेरे मम्मी से आशीर्वाद तो लेके आया हूँ, लेकिन माँ की वजह से मैं आज हूँ। सरेश पटेल मेरे भाई की वजह से हूँ, उनको एक चैन मेरी तरफ से होना जरूरी है। सरेश पटेल को मेरी तरफ से मेरे भाई का प्यार है, आज जो कुछ हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। मेरे भाई का प्यार है और हमेशा प्यार मिलता है, दिल बहुत बड़ा है और दिल भी समुद्र है। बस निकेश भाई साथ दो और निकेश भाई का जन्मदिन है और जो बर्थडे पार्टी है हमारी, हम आपको मीडिया को बताएंगे, आप लोग साथ दो, हिम्मत दो, आगे बढ़िए। हमारा भी एक अवार्ड शो आ रहा है, आप सबको आमंत्रित है और सरेश पटेल उसका पूरा ध्यान रखें। अभी निकेश भाई ऑलरेडी बहुत काफी काम कर रहे हैं, काफी अभी बिंदु तारी का जन्मदिन ही बना चाहिए, अंदर एक बर्थडे पार्टी हमको करना है, फिर मम्मी का पापा का सालगिरह हुआ उसका भी पार्टी हमको करना है, लेकिन मेन भाई का उद्देश्य ये है कि अपने बर्थडे के दिन हम गरीबों को पहले खाना खिलाएंगे, सुबह दोपहर में जो लाचार है उनको कंबल बांटेंगे, हम लोग रात में फैशन शो करेंगे, अवार्ड शो करेंगे, उसमें हम लोग किसी की इनकम लेने वाले नहीं है और जो भी इनकम दे रहे थे डोनेशन हम सेकेंड डे ऑल ओवर इंडिया को लेके मुंबई से लेके बांद्रा तक जितने भी गरीब रोड पे छोटे उनको खाना या उनको चादर या किसी को धनराशि चाहिए वो देंगे। उसे तो मेरा भाई का सपना ये है कि सिर्फ डोनेशन के लिए सब मरते हैं, कोई देता नहीं बोलता है,
भाई बोलता जो पैसा बचेगा हम सबका फीस कहाँ भरेंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन जो हमको नंबर देगा वो हमको आधार कार्ड देगा उसका फीस का पैसा भरेगा, हम वहाँ जाएंगे वेरिफिकेशन करेंगे उसका बिल भरेंगे और उसको हम लोग फ्री में एजुकेशन करेंगे। ये मेरे भाई का सपना है और ये पूरा करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, अकेला आदमी नहीं लड़ता है, सब मिलकर करते तभी काम होगा, मीडिया का साथ जरूरी है। और हाँ मीडिया के सामने मेरे भाई ने देखिए मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज इस इवेंट में इतनी सारी मात्रा में तादाद में लोग आए हैं। हम हर साल इसके पीआर पार्टनर रहे हैं, प्रेस और उसके अलावा कुछ सेलिब्रिटीज़ और कुछ खास अतिथियों को हमने बुलाया था। इवेंट में जितने भी एक्टर्स आए हैं उसके अलावा सेलिब्रिटीज़ आए हैं उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट है क्योंकि आज मदर्स डे है और मदर्स डे में अगर हम सक्सेसफुल लोगों को सुपर मॉम सुपर वुमन का अवार्ड देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी पहल है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम सभी की तरफ से पायलट ज्वेलर्स भी एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर है, इसकी इवेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया है, तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। कुणाल का खासकर मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट होस्ट किया है। देखिए पहले चार महीने फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छे नहीं रहे, शैतान के अलावा कुछ भी नहीं चला है। पिछले साल के कंपेयर में इस साल में हमने 15% नुकसान पाया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मई में भैया जी रहेगी, जून में कुछ फिल्में हैं, जुलाई में कुछ फिल्में हैं और फिर सबसे बड़ी फिल्म आएगी अगस्त में पुष्पा 2, तो उसके लिए हम एक्साइटेड हैं। हो सकता है कि ये जो वक्त पूरा गुजरा है ये चार महीने का वो कंपनसेट हो जाएगा अगस्त से। हम तो ऑलरेडी थैंकफुल है कुणाल सर के लिए, ऑलमोस्ट उनके काफ़ी इवेंट्स में हम साथ में रहते हैं, मैं हूँ पायलन ज्वेलरी की तरफ से और सर आगे भी साथ में रहेंगे, जब वो है तो हम है। थैंक यू। माँ के लिए देखिए बहुत बड़े शायर हैं, शायर थे मुनव्वर राना, जिन्होंने सबसे अच्छी शायरी माँ के लिए की। उनका एक बड़ा अच्छा शेर है, वो कहते हैं किसी के हिस्से में दुकान आई किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई किसी के हिस्से में घर आया, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बेस्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, इसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ मेरे पेरेंट्स को, ऑर्गेनाइजर्स को, मीडिया को और मेरे दोस्त अरुण को, इसकी वजह से मुझे ये अवार्ड आज मिला है। थैंक यू, जय हिंद। मैं ठीक हूँ, आप लोग बताइए कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग वेरी वेरी स्पेशल। जब भी अप्रिसिएशन मिलती है काम के लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है और ये तो सुपर वुमेन का अवार्ड है, सो या कि मल्टीटास्किंग कर रही हूँ मैं, सो आई एम ग्लैड एंड आई एम हैप्पी कि मुझे ये अवार्ड दिया, रियली हैप्पी। नहीं बिल्कुल, एंटायर क्रेडिट एक्चुअली माँ को ही जाता है, माँ ही सबसे पहले टीचर होती है और मेरी मम्मी ने जिस तरह से हम या थ्री सिस्टर्स और जिस तरह से परवरिश की है तो काफ़ी स्ट्रांग बनाया है, मल्टीटास्किंग करना सिखाया है, सो आई एम मतलब आज मदर्स डे भी है तो मैं अपनी मम्मी को बहुत बहुत दिल से प्रणाम करती हूँ और ये जो अवार्ड है ये उनको मैं डेडिकेट करना चाहूँगी। नहीं हाँ डेफिनेटली मम्मी हमेशा जो सबसे पहली चीज़ सिखाई दैट इज़ ऑनेस्टी, जो भी आप काम करते हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए और इंस्पिरेशन तो मैं लेती रहती हूँ, आप हमारे आसपास इतनी वर्किंग वुमेन हैं और इतनी इंस्पिरेशन है एंड फीमेल्स आर डूइंग वेरी गुड, सो वो सब मेरी इंस्पिरेशन है।
भाभी जी घर पे है, चल रहा है, आप लोग सभी देखते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, कीप लविंग, कीप लाफिंग, लव यू ऑल। मैं तो रोज ही आती हूँ। अभी ये तो कर लूँ, ये तो बहुत दिल से कर रही हूँ। एंड आप सभी के लिए ऐसे ही पकड़े हैं। सबसे पहले तो गुड इवनिंग सबको। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, एज एवरीवन नोस मदर्स डे है और आज हम मदर्स को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन काफ़ी नहीं होता है, एवरी डे हमने मदर्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। मदर्स डे पे तो खास होता ही है और इतना ब्यूटीफुल इवेंट है आज। कुणाल और इवेंट्स फैक्ट्री को मैं कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, इतने अच्छे दिन पर इन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। सो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। और कुछ जानना चाहेंगे? मेरे ख्याल से जवाब देना इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मॉम खास होती हैं और आज के दिन जैसे मैंने कहा सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हमने 365 डेज और टिल द लास्ट ब्रेथ हमने उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। और मेरी मॉम बहुत खास है मेरे लिए। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे कैसे मुझे बिहेव करना है और यू नो डे वन से हर एक चीज़ की ट्रेनिंग दी गई थी। वो एक डांसर बनना चाहती थी, उनको कथक का और सिंगिंग का म्यूज़िक का बड़ा शौक है, तो मैंने भी कथक में ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसके साथ में हम ट्रैवल करते हैं, साथ में खूब मस्ती करते हैं। तो मोर देन माई मदर शी इज़ माई बेस्ट बडी, माई बेस्ट फ्रेंड, माई टीचर, माई गाइड, एवरीथिंग। सो दैट्स द रीज़न यू नो आई कम हियर ऑल द वे टू सेलिब्रेट हर और ये इवेंट उसी के लिए है। तो आई एम वेरी हैप्पी। ज़्यादा तो शेयर नहीं कर पाऊंगी लेकिन मैं एक सॉन्ग कर रही हूँ अभी बाबू सुप्रियो के साथ, मेरा पहला गाना भी उनके साथ था और अभी एक और हम सॉन्ग कर रहे हैं। तो अभी इलेक्शंस की वजह से थोड़ा सा शूट डिले हो गया है लेकिन उसके बाद ही हम अगस्त में शूट कर रहे हैं। दैट्स हैपनिंग इन दुबई, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। और मैं एक दो प्रोजेक्ट साउथ के लिए भी कर रही हूँ और वेब सीरीज इतनी सारी हो रही हैं तो टॉक्स आर ऑन फॉर दैट। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। बट या ज्योति सक्सेना इज बैक विद अ बैंग। थैंक यू, टेक केयर। Actually, I am so happy because सुपर मॉम का अवार्ड मिला है और मेरा बेबी 21 मंथ्स का है, काफ़ी छोटा है तो मैं उसको काफ़ी मिस कर रही हूँ अभी यहाँ पे क्योंकि वो काफ़ी छोटा, मैं उसे नहीं यहाँ पे ले करा पाई। बट थैंक्स टू माई बेबी कि उसकी वजह से मुझे ये सुपर मॉम का अवार्ड मिला है। नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट बेबी की वजह से तो और भी एक्चुअली एक सुपर मॉम बन जाते हैं, इसलिए शायद ये अवार्ड मिला है। तो काफ़ी स्ट्रेंथ मिल जाता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू। देखिए ये मदर्स डे जो आया है, मदर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये जो मदर्स का जो कंट्रीब्यूशन है अपने बच्चों को जो एक वैल्यू सिस्टम जो प्रोवाइड करते हैं, तो उनके लिए बड़ा दिन है और सारी जितनी भी मदर्स हैं उनको तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा और एडवांस में उनको एक बधाई दूंगा। दे आर रियली वेरी ब्रेव और उस तरीके से उन्होंने पूरा जो परवरिश और वो करे हैं तो बहुत ही अच्छा। माँ ही सब कुछ मानना है, माँ के बगैर कुछ नहीं। और इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्यार करती है माँ ही करती है और सेल्फलेस लव वो करती है और दुनिया में शायद मतलब से प्यार करती है, माँ बिना मतलब प्यार करती है, माँ से बड़ी कोई चीज़। अभी हमारे प्रोजेक्ट लाइन अप में फिलहाल भी आ रही है और उसके अलावा दो तीन प्रोजेक्ट और लाइन अप में भी आएंगे। थैंक यू। So yes, actually I'm very excited to response because हम सारे newcomers थे, उसके बावजूद भी हमें जो response मिला it's very very exciting and it is released by Reliance, that's also altogether and Zee Music in association with Zee Music. So जावेद अली ने गाने गाए हैं,
So I'm getting all the positive response from the people because जो newcomers होते हैं वो बहुत सपने लेकर आते हैं but I would be very thankful for Reliance and Z to have a faith in us. Yes. So basically, बात ये है कि ये वाली फिल्म मेरी पहली फिल्म है but release second time second हुई है. जो first फिल्म थी वो है कैसा ये सितू and that is OTT release and I acted with along with Yuvraj Thapar. Actually I'm so excited because super mom, super woman and what else it could be to celebrate on the day of motherhood. Happy mothers Mother Day to all the wonderful women around and to cherish that, I think it's the best day. I'm actually getting so many positive vibes around super women, super mom. Actually, मेरे हिसाब से कहानी बहुत बड़ी रोल प्ले करती है तो कहानी अच्छी होनी चाहिए चाहे वो वेब शो की हो या फिल्म की. Yes, lot of things are lined up after the film got released. So hoping for the best. Thank you so much. Thank you. कि एक माँ को जब अवार्ड मिलता है तो बहुत ही एकदम मतलब सुखदायी होता है. तो वो हर एक माँ के लिए वो एक सपना होता है कि वो ये अवार्ड ले और बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हम बच्चों की सेवा करते 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 एक सुपर मॉम बन जाते हैं. फिर हम इस अवार्ड से हम घोषित होते हैं और ये बहुत ही एक अच्छा मोमेंट होता है. थैंक यू सो मच. यार मैं तो मेरे मॉम के बहुत ही करीब हूँ, बहुत ही नज़दीक हूँ. एक्चुअली एवरी सन इज ऑलवेज ऐसे कहा जाता है कि नो लड़के अपने माँ से बहुत क्लोज होते हैं और मैं खास करके मैं यंगेस्ट सन हूँ हमारे फैमिली में तो मैं बहुत क्लोज हूँ मेरी मॉम से. और आज हम लोगों ने एक्चुअली सेलिब्रेट भी किया सुबह यार केक काटेंगे एंड हम लोगों ने थोड़ा दोपहर को हम लोग लंच करने के लिए भी गए थे. तो इट्स लाइक यू नो समटाइम्स यू शुड इट्स नॉट समटाइम्स इट्स लाइक यू नो नॉट ओनली ऑन दिस ऑस्पिशियस डे हमें अपने मॉम और डैड को फील कराना है कि हाउ स्पेशल दे आर. आई थिंक वी शुड ऑलवेज डू इट बिकॉज दैट रियली मैटर्स अ लॉट. आप किसी दिन मतलब लाइक यू नो like you know super mom super dad and it's like a happy mother's day and all that we should be celebrating it on a daily basis because that really matters a lot. Wo warmth and the love that we just share with them I think that's unke liye wo bahut overwhelmed ho jata hai. Sorry mera abhi to just I got done with my Suhagan show colors ka main show kar raha tha Suhagan Rashmi Sharma ka and there are certain things are lined up. Oh let's see the producers ne kaha hai to keep it. माँ के लिए इमोशन सबका सेम ही होता है एंड मम्मी नहीं तो कुछ नहीं है हम नहीं है. सो ऑफकोर्स मदर्स डे सेलिब्रेशन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म भी. आप अपने मॉम्स को यहाँ पे फेलिसिटेट कर रहे हैं एंड आई एम लकी इनफ दैट आई गॉट अ सुपर वुमन अवार्ड टुडे. सो थैंक यू. आई वुड लाइक टू थैंक रोशन जी एंड एवरीवन एंड थैंक यू ऑल फॉर वेयरिंग दिस सो मच. थैंक यू. एक मैसेज देना चाहिए लास्ट का लोगों ने वैल्यू हम काम भी करते हैं अपने काम आई थिंक कहीं ना कहीं हम सब गलतियाँ करते हैं और हम सब ने ये गलती अपने माँ बाप के साथ की है कि उन्हें टाइम नहीं दिया है. तो बस इतना ही कहना चाहूँगी द मोर यू कैन वैल्यू योर पेरेंट्स. जवानी और बचपन में लगता है ना कि थोड़ा स्पेस चाहिए फैमिली से वो बाद में जाके रियलाइज होता है कि नहीं एक्चुअली दैट स्पेस वो सबसे बड़ी गलती थी हमारी लाइफ की. सो आई वुड जस्ट वांट टू से टू द ऑडियंस कि वैल्यू योर पेरेंट्स गिव देम टाइम बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट. लव एंड स्प्रेड लव. थैंक यू. मैं ये कहना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू कुणाल ठक्कर सर एंड सुपर मॉम सुपर वुमन अवार्ड्स इंस्पायरिंग आइकन अवार्ड्स बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मदर्स डे पे ये चीज कर रहा है विच इज यू नो हमारे लाइफ की किसी भी इंसान की सबसे बड़ी आइकन जो होती है वो सबसे पहले मॉम होती है. एंड मॉम के लिए एक शायरी में कहना चाहूंगी कि तुम थी तो मैं हूँ माँ तुम थी तो मैं हूँ तुमसे ही तो मैं हूँ तेरे बिना मेरे वजूद का तसव्वुर मैं कैसे करूँ क्योंकि जब मेरी
होती, तेरी आंखों में चमकती है, तब सारे जहां की खुशियां मेरी आंखों से झलकती है। So, ये मैं मॉम के लिए कहना चाहूंगी। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मदर्स को सेलिब्रेट करता है, जो आई थिंक एन ओवरऑल आइकन हम सबके लिए होती है, चाहे वो रिलेशनशिप्स के लिए हो, चाहे वो बिहेवियर वाइज हो, एक सोसाइटी को शेप करने के लिए मदर बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सो दैट एंड इंस्पायरिंग आइकन के लिए मैं अपने फैंस को थैंक यू कहना चाहूंगी, बिकॉज दे नेवर लीव अ मोमेंट टू नॉट अप्रिशिएट मी। सो थैंक यू टू ऑल माई फैंस, thank you to God, and I aspire to inspire every day. मैंने मिस टीन वर्ल्ड इसीलिए ही किया था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू इंस्पायर वुमेन, आई वॉन्टेड टू इंस्पायर पीपल हु फॉलो अ सर्टेन थिंग, जो सोसाइटी का स्टीरियोटाइप होता है, मैं चाहती हूँ कि वो उसको ब्रेक करें एंड जीते। थैंक यू, थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हो, और मदर्स डे सबके लिए बहुत स्पेशल होता है। मेरी मॉम मेरे साथ आए हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगी। ये मेरी मम्मी है, और कहते ना माँ से पढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता, तो मेरी मॉम भगवान से कम नहीं है। और मैं स्टीवन को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इवेंट करना, और मॉम के लिए दिन बहुत स्पेशल हो गया क्योंकि मुझे यहाँ पे अवार्ड मिलने वाला है। सो आई एम सो हैप्पी एंड सो थैंकफुल। मेरी एक्चुअली मेरी लाइफ में मेरी मॉम के अलावा कोई है नहीं, तो जो भी है मेरी मॉम है, मेरी मॉम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, मेरी मेंटर है, मेरी सपोर्टर है, सब कुछ मेरी मॉम है। तो माँ से बढ़ के मेरी लाइफ और कोई नहीं। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, एक नया गाना आ रहा है जो कि संदेवक का शूट हुआ है, वो गाना आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम लोग वेट करते हैं सावा गाना जो आया है, उसके बाद हमारा गाना भी होगा बहुत जल्दी। एंड आई होप आप सारे लोग प्यार लोग सुन रहे हैं, सबको बहुत प्यार है, मुझे जितने गाने मुझे आप सभी प्यार से सुन रहे हैं, उसके अलावा और भी सारे की जानकारी हो गई आप लोग बहुत आई थिंक सुपर मॉम और सुपर वुमन का अवार्ड है तो स्पेशल तो होता ही है। जहाँ माँ शब्द आ जाता है आई थिंक वैसे ही चीजें स्पेशल हो जाती है, एंड मदर्स डे के दिन तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल डे, एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द सुपर वुमन आउट देयर, सुपर मॉम्स आउट देयर। यार आउट ऑफ टाउन तो हम लोग भी रहते हैं, अपनी फैमिली से काफी दूर है, बट वो एक कनेक्शन जो है वो दिल का कनेक्शन है। दूरियां कितनी भी हो जाए, कनेक्शन दिल का बना रहना चाहिए। सी अब आकांक्षा पूरी है तो हंगामा तो होगा। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत सारी यादें हैं। मुझे लगता है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल चाइल्ड देयर इज अ सुपर मॉम, एंड मेरे सक्सेस के पीछे भी मेरी वो सुपर मॉम है, एंड हर बच्चे के लिए उसकी मॉम सुपर मॉम है। सो थैंक यू मॉम फॉर गिविंग मी व्हाट एवर यू गिवन मी, एंड आई लव यू, एंड लव यू ऑल, एंड हैप्पी मदर्स। बहुत सारे हैं, बहुत सारे गाइस, अभी जो इतनी मेहनत की है, 6 महीने में एमटीवी का शो होस्ट किया है, एक हिस्टोरिकल शो शूट किया है, आई थिंक बैक टू बैक अब सारे रिलीज होने की कगार पे हैं, एंड ऑल द बेस्ट चाहिए आप लोगों से। बट बेस्ट सेलिब्रिटी है तो बातें तो होती रहेंगी, एंड जब आप पब्लिक फिगर हो तो आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। यार ये तो जो सेलिब्रिटी आप उससे पूछिए, जब मैं ऐसा कुछ करूंगी तब आप मेरे पास आना। थैंक यू, लव यू वेरी मच। Happy Mother's Day.
यादें तो बहुत सारी हैं. मैं दूर रहती हूँ अपनी मॉम से बिकॉज ऑफ माय वर्क ऑब्वियसली. अभी मेरे हस्बैंड मेरे साथ शिफ्ट हो गए हैं लकीली एंड हैप्पी उस तरीके से. बट रोज उनकी याद आती है. बहुत सारी यादें हैं, कई सारी यादें हैं. अब मिलूंगी मम्मी को पग पैरों पे. वेटिंग फॉर दैट. परेशान है ना गुड वे बोलते हैं. एंटरटेनिंग तो है, फैमिली भी बोलती है, सर दर्द भी देती है, एंटरटेनिंग भी है. तो आई वुड लव टू गो टू बिग बॉस एंड फिंगर्स क्रॉस्ड यार कोशिश रहेगी कि बुला ले. लेट्स सी फिंगर्स क्रॉस्ड विश करो कि हो जाए ऐसा. एक्चुअली इतने रूमर्स उठ रहे हैं शो के जगह जगह. मतलब सना जी का रीजन तो ऑब्वियस है. सना को ऑब्वियसली जाना होगा. ये बातें मैं आपको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती. मेरी बैट पे जाएगी आई एम टेलिंग यू बिकॉज अभी मुझे नहीं नहीं एक्चुअली आई एम स्टिल वेटिंग टू सी द एक्टर्स ऑन फ्लोर बिकॉज न्यूज तो मुझे भी यही आई है. एंड आई एम होपिंग टू वेलकम द न्यू एक्टर्स विद ओपन आर्म्स जैसा भी है. बट जब वो होगा यू सी यू विल नो. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. हैप्पी मदर्स डे. Thank you. Thank you. Please tell me about your brand and what are the wedding and what is this all about? Just to be fashion show, what is it? Yeah, how? Yeah, sure. So these all girls, beautiful girls, are wearing our jewelry. The brand name is called Lush 24, and we own a fashion jewelry brand, and we have a beautiful collection. So do visit on www.lush24.in for latest fashion jewelry design. And we had an awesome fashion show right now, and we got so many beautiful compliments from all the people and all the beautiful audience over here. Thank you. And how was your experience? We like to have, we like to hear from our beautiful model Monica. Actually, she had so. So my name is Monica. I'm a model. So she had so many good options that I was confused. What should I choose? And then finally, I chose this piece, and it's really beautiful. Thank you so much for dolling up all of us. It's very nice to be a part of. It's very nice to be a part of this show. Kunal Thakkar has been always a great host, and for these girls, इन सब ने dress के लिए बहुत justice किया है. सब ने एक-एक चीज बहुत अच्छे से अपने आप को carry किया stage पे. And secondly, today's Mother's Day, तो wish you happy Mother's Day to all these lovely contestants. And it's a great show. And some great lovely outfits as well. Thank you so much, Monica. Audience can visit my store, which is in Goregaon West and MT Road opposite to Manthan Hotel. And you can follow my Instagram, Ritu Goel Fashion Designer. You'll get to contact with me. Thank you. Or Kunal Thakkar ko specially for giving me such good award, like inspiring award, and giving my mom an award. It's such a, you know, it's a first award. तो उसे भी बहुत ही nervousness हो रही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत अच्छा भी लग रहा है. So she is also very happy. So yeah, I'm very thankful. हाँ मदर्स डे वुमेन्स डे मदर्स डे है, तो मैं ऑफकोर्स सारी मदर्स को मदर्स डे की विशेष देना चाहूँगी. मदर्स बहुत स्ट्रांग होती है, और मुझे तो बहुत डर लगता है अभी शादी करने में और माँ बनने का, मैंने सोचा भी नहीं. लेकिन जो भी माएँ हैं सबको हैप्पी मदर्स डे. और ऐसे ही हमको इंस्पायर करती रहे, स्ट्रांग बनाती रहे, बिकॉज उन्हीं से हमें ताकत मिलती है. सबको ताकत मिलती है. माँ होती है तो सब है, माँ नहीं है तो बहुत लाइफ में कमी लगती है. तो माँ हमेशा
हेल्दी रहे, वेल्दी रहे और खुश रहे, बस यही चाहते हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, अभी तो म्यूजिक वीडियोस हैं जो आने वाले हैं, वेब सीरीज की बात चल रही है, एक फिल्म है जो थिएटर में रिलीज होने वाली है उसकी भी बात चल रही है। अभी तो फिलहाल इंस्टाग्राम पे मस्त फायर मचा रही हूँ देखो मेरे वीडियोज इंस्टाग्राम। थैंक यू। सो आई थिंक मदर्स के दिन पर, मदर्स डे पे मुझे ये बेस्ट मेंटोर म्यूजिक का अवार्ड मिला। आई एम वेरी हैप्पी एंड इट्स अ ग्रेट इवेंट वेयर यू नो ऑन अ वेरी गुड डे लाइक मदर्स डे वी ऑल आर शेयरिंग द मोमेंट्स एंड द ग्लोरीज ऑफ आवर मॉम्स, एंड मॉम्स नहीं है तो क्या हो सकता है, दे आर द बेस्ट। ऑफ कोर्स म्यूजिक इज द मेन स्टे। आज अगर आप देखें कि OTT पे भी म्यूजिक की इम्पोर्टेंस लोगों को पता चल गई है, पहले नहीं थी लेकिन अब उनके गाने भी चलने लगे हैं, दे स्टार्टेड बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द मेनस्ट्रीम। सो वेदर इज द बिग स्क्रीन थिएटर, आज चमकीला की सक्सेस इज प्रूविंग दैट म्यूजिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल द कंटेंट दैट्स बीन क्रिएटेड। आई एम द हैप्पीएस्ट टुडे बिकॉज चलियाना हैज क्रॉस 1 billion स्ट्रीम्स ऑल अक्रॉस, सो यस वी आर हैप्पी। See, the simple thing is that hamara existence hi unki wajah se hai. We are here because our mothers did whatever they did for us. So I love it. मदर्स डे पे हम क्या कहेंगे, हम हैं जो भी है, सब माँ की वजह से है, माँ की दुआओं की वजह से है। एंड मेरी तरह आप सबका भी वही है कि दिस तो बस माँ माँ होती है, उसके दिल में क्या कह सकता हूँ। आइए, ये अच्छा इनिशिएटिव है इन्होंने जो किया है कि माओं को अवार्ड दे रहे हैं बच्चों की काबिलियत के लिए, तो वो एक अलग है, वो डिफरेंट है, वो ही एक अच्छी डिफरेंट चीज़ है यहाँ की। तो वी आर सेलिब्रेटिंग द मदर्स थ्रू द चिल्ड्रन एंड दैट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। थैंक यू। ओके, सो द ट्रुथ इज मम्मा मेरे साथ नहीं थी, मम्मा मतलब देख रही थी, बट यस आई एम वेरी थैंकफुल फॉर कुणाल फॉर गिविंग मी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर गेटिंग दिस अवार्ड, आई एम वेरी थैंकफुल। अभी बेसिकली एड्स वगैरह चल रहा है स्विगी का, यूपी मैगी, PNG ज्वेलरीज विच इज माधुरी दीक्षित विद माधुरी दीक्षित, एंड अभी मेरी मूवी आ रही है युद्र विद सिद्धार्थ चतुर्वेदी। मम्मा एक्चुअली हर चीज़ है, नाम मेरा है, काम उनका है, इट्स जस्ट वो मेरी एक तरफ से मैनेजर है, जो भी वो कहेंगे मैं करके करना पड़ता है। सो बिकॉज ऑफ हर आई एम हियर एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। हर बार मुझे अवार्ड मिलता था अकेले, इस बार मुझे मेरी मॉम के साथ अवार्ड मिल रहा है, बिकॉज एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज बिकॉज शी इज़ देयर देन आई एम देयर एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर इट कि मुझे मेरी मॉम के साथ सम्मान मिला है आज, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड फॉर दिस मोमेंट। तो अभी रिसेंटली वीर सावरकर रिलीज हुए मेरी, उसके बाद एक फिल्म है कोविड स्टोरीज एंड एक अभी छावा मेरी अभी कंप्लीट हुई है, तो देयर आर लॉट ऑफ फिल्म्स लाइंड अप, आई होप आपको मजा आएगा एंड यू विल एंजॉय। थैंक यू सो मच सुपर मॉम और थैंक यू कुणाल सर एंड थैंक यू गॉड ऐसा बच्चा हमारे को मिला। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। थैंक यू मदर्स डे टू First of all, thank you for having me here and happy Mother's Day to all the women, the powerful women. Any mother is powerful and they're the most sacrificing people in the world. So I'm grateful to have a great mother in my life also. So to all of you, happy Mother's Day and stay blessed. Thank you.